और सीधे आपको लेकर चलते हैं राज्यसभा, जहां ओबीसी बिल पास हो रहा है। प्लीज स्पीक ऑन द बिल। स्पीकिंग ऑन द बिल। यस प्लीज, काइंडली लिसन। स्पीकिंग ऑन द बिल। श्योर। आफ्टर 49 इयर्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, व्हाई दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट आउट दिस बिल ओनली टू अपीज एंड हेल्प इट्स क्रोनीज, द क्रोनी कैपिटलिस्ट, ओनली टू हेल्प द क्रोनी कैपिटलिस्ट, द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस बिल। That is why I oppose on my behalf to the nail. Thank you. Shri Prashant Nanda ji, Mani Shri Prashant Nanda ji. Thank you, sir. The proposed legislature seeks to ensure that the guaranteed amount of up to 5 lakh is paid to depositors within 90 days of the Reserve Bank of India, RBI, placing a bank under moratorium. I support the bill, sir. The central feature of the bill is the insertion of section 18A after section 18 of the Principal Act. The second major feature of the bill is the amending of section 15 to enable the corporation to increase ceiling on amount of premium with prior approval from RBI. मेरे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, 127वां संविधान संशोधन हुआ और राज्य सरकारों को वापस से वो शक्ति मिल गई जिसके जरिए वो अपने हिसाब से ओबीसी की सूची बना सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अदिति, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन 5 मई को महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे, दरअसल वो फैसला इसके बीच में आ गया था और इस वजह से उस दौरान कहा गया था कि ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। के अंदर इसमें अमेंडमेंट किया गया था और उसकी वजह से 5 मई को जब ये फैसला आया तो फिर ओबीसी सूची का अधिकार केंद्र के पास चला गया, जबकि ओबीसी सूची जो केंद्रीय है वो राज्यों की सूची से काफी भिन्न है। यानी कि अगर केंद्रीय सूची को लागू किया जाए तो फिर राज्य की कई ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी से बाहर हो सकती हैं, और इसलिए संशोधन किया गया, 127वां संशोधन, जिसके बाद वापस राज्य सरकारों को शक्तियां प्राप्त हो गई कि वो अपनी ओबीसी की सूची का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें जातियों को जोड़ सकती हैं, जातियों को हटा सकती हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, राज्य की राजनीति केंद्र से प्रभावित ना हो इसलिए यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ओबीसी की लिस्ट राज्य सरकारें वापस अपने हिसाब से बना पाएंगी, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी एक परिस्थिति होती है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात, जब कल भी इतना लंबे समय से लोकसभा में जो रकस था, जो विरोध था, उसमें जब विरोध में एक भी आवाज नहीं उठाई गई ओबीसी बिल के दौरान और सांसदों में एकता दिखी, और इसका मतलब यही समझना होगा जो आप कह रहे हैं कि 127वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को मराठा आरक्षण पर फैसला देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को किसी जाति को आरक्षण देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आरक्षण सूची में किसी जाति को जोड़ना घटाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। अब आप जो ये एकता का मतलब था कल लोकसभा में कि हम आपको बात समझा रहे हैं, इसकी हाइलाइट्स ये हैं कि लोकसभा में ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पास कर दिया गया था, उसके बाद आज राज्यसभा में पास हुआ और अब राज्यों के पास पूरी वो शक्ति होगी, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और लोकसभा मेरी, और आपको बता दें कि शिवसेना सांसद ने राज्यों में 50% आरक्षण सीमा हटाने का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव भी लाया जी। लेकिन अदिति, इसको राजनीतिक तौर पर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि यूपी के इलेक्शन, बाकी 4 राज्यों के इलेक्शन उसके साथ हैं। अब चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके बाद ये था कि केंद्रीय ओबीसी की सूची लागू होगी और राज्यों की सूची के हिसाब से काफी जातियां उससे बाहर हो जाती हैं, क्या उनको वापस जोड़ने, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए फैसला लिया गया और इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया? देखिए जाहिर तौर पे, और यही वजह थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सूची है ओबीसी लिस्ट,
तैयार करने का अधिकार केंद्र से राज्य को ट्रांसफर करने वाले इस संविधान संशोधन विधेयक के 386 सांसदों का समर्थन लोकसभा में ही मिला था और जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं आया और यही वजह है जो आपने बताया। उसके अलावा अब आज राज्यसभा में भी इसको संशोधन मिल गया, लोकसभा में 127 संविधान संशोधन पर बहस करते हुए सत्ता विपक्ष सांसदों ने एक दूसरे पर सहमत तो जरूर लगाई लेकिन मतदान के वक्त अब साथ दिखाई दे। दरअसल कोई भी राजनीतिक दल देश की आबादी में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी वाले ओबीसी की जातियों को नाखुश नहीं करना चाहता, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, यही इसका असली मकसद है। इसी वजह लेकिन इसके साथ ये ना माने अदिति कि अब कुछ और जातियां इसमें फ्रंट फुट पर आएंगी जो चाहेंगी कि ओबीसी में शामिल हों, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे मराठा, हरियाणा में जिस तरीके से जाट, गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत, ये तो पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं, अब कुछ और जातियां निकल कर आएंगी जो कहेंगी कि ओबीसी में शामिल कीजिए। जाहिर तौर पर ये होने वाला है। पहले भी कई बार आपने जिस तरह के आपने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से और भी कई जातियां होंगी जो खुद को ओबीसी में शामिल करना चाहती होंगी, जिस तरह का जो फायदा अब मिलने वाला है वो उनको मिल सके। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद केवल पॉलिटिकल माइलेज की वजह से किसी भी सांसद किसी पार्टी ने इसके विरोध में आवाज नहीं उठाई थी। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय मंत्री का भी बयान आया था इस पे। वीरेंद्र कुमार ने कहा था कि सरकार इस भावना को समझ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय सीमा पर विचार किए जाए, क्योंकि इस सीमा 30 साल पहले तय कर दी गई थी लेकिन कोर्ट ने बार बार कड़ाई से बहुत ही कड़े उससे कहा था कि यह सीमा हटानी चाहिए, इसलिए इसके संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। और इंदिरा साहिनी केस में जो एक केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीमा के इधर इसी आरक्षण देने के आदेश दिए थे लेकिन बिल्कुल विशेष मामलों में और अन्य समुदाय के लिए जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। लेकिन ये बात सही है, जैसे महाराष्ट्र को छूट मिल गई थी तो ये बात सही है कि अब दूसरी और जातियां होंगी जिसमें वो अपने आप को ओबीसी में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका था, उसका भी इन्हीं तरह का जो है 5 मई को इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट में बात की थी और ये तमाम बातें थी। जी बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दरअसल ओबीसी बिल राज्यसभा में भी पास हो चुका है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ये कानून बन जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी बिल को वापस इस तरीके से किया गया कि राज्य अपने हिसाब से ओबीसी की लिस्ट जारी करे, जरूरत शायद ये भी है कि इसका वर्गीकरण भी किया जाए, क्योंकि ओबीसी का फायदा 5 या 10 जातियों को मिलता है जबकि राजस्थान में 120 के आसपास जातियां बताई जाती हैं जो ओबीसी में लिस्टेड है। अगर वर्गीकरण हो जाए तो बेहतर तरीके से सभी को उसका फायदा होगा।